हाय दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा। आप देख रहे हैं ऑटो शो इंडिया। आज मैं फिर से आया हूं बिंद्रा मोटर्स पे गुरप्रीत भैया के पास। आज हम दिखाने वाले एक है ना प्रीमियम सेटअप। प्रीमियम सेटअप से मेरा मतलब है कि जो हर एक चीज़ है ना वो बिल्कुल हाई एंड कह सकते हैं आप। आने को तो सेटअप जो है लाखों के भी आते हैं, बट ये जो प्राइस सेगमेंट है इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हो चुका है और लोग एक अच्छा सेटअप लगाना चाहते हैं। अच्छी डैम्पिंग, अच्छा स्टीरियो, अच्छे स्पीकर, बाकी भैया बताएंगे इसमें। तो आज हम बात करेंगे एक प्रीमियम ऑडियो सेटअप के बारे में। बेसिक सेटअप हमने काफ़ी दिखाए हैं, बट एक प्रीमियम सेटअप की आज बात करेंगे। जैसे कि जो भी प्रोडक्ट यूज़ होगा इसके अंदर, हर चीज़ प्रीमियम होगी, बेसिक सीरीज़ नहीं होगी, कोई भी चीज़ होगी। अब जैसे कि छोटा सा एग्जांपल दूंगा, अब लोग अच्छे अच्छे सेटअप तो करवा लेते हैं बट कॉस्ट कटिंग के लिए डैम्पिंग नहीं करवाते कार में। ठीक है, डैम्पिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है। हाई एंड स्पीकर लगाने का फ़ायदा ही तब है जब आप अपनी गाड़ी को डैम्प ना कराओ। ठीक है, जब तक डैम्पिंग नहीं होगी तो वो उसको अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो ये डैम्पिंग भी जो इस सेटअप के लिए, फिर सिंगल लेयर से तो काम नहीं चलेगा, इस पे डबल लेयर डैम्पिंग होगी। डबल लेयर भी जो होगी काफी थिक डैम्पिंग यूज करेंगे इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि हम बेसिकली हम दिखाते हैं मॉडल की 2mm की डैम्पिंग। ठीक है, आज ये दो अलग अलग तरीके की डैम्पिंग है। जैसे कि ये आती है येलो सीरीज 2mm वाली, तो दोनों ही नहीं लग रही मुझे। नहीं, ये एक 2.1mm है, एक 2.7mm है। ओके, ठीक है, जो हम इनिशियली डोर पैनल के अंदर जो करेंगे वो 2.1mm करेंगे, जो अंदर की तरफ हो गई लेयर, जो अंदर की तरफ जो डोर पैनल के अंदर लगती है, एक एक शीट लगती है। ठीक है, उसमें हम ये 2.1mm की यूज करेंगे। शीट्स होंगी, चार शीट्स लगती है ये वाली। तो चार शीट चारों डोर के अंदर वाले पैनल में हो गई। ठीक है, और पांच शीट लगती है आउटर में, वो 2.7mm लग रही है। अच्छा, ये 2.7mm है तो इसकी थिकनेस ज्यादा होगी, तो जो साउंड प्रूफिंग है वो भी अच्छी होगी। इसके बाद ये होगी हमारी डैम्पिंग की। डैम्पिंग से थर्मल इंसुलेशन होती है, रैटलिंग नॉइस रिड्यूस होता है, वाइब्रेशन रिड्यूस होती है, और साउंड भी जो है इसका खुल के आता है, बेस एक अच्छा बन जाता है। बाकी जैसे आपने बताया कि बाहर आप पांच शीट यूज करोगे, तो पांच किस तरह से, चार डोर में पांच इस तरीके से कि पीछे एक एक लगती है। ठीक है, पीछे डोर छोटा होगा थोड़ा, और आगे स्पेस ज्यादा है, आगे स्पेस ज्यादा होती है, डेढ़ शीट हो जाएंगी। तो ये नॉर्मल, आइडियली नॉर्मल जो गाड़ियां आती है उनमें ये होती है कैलकुलेशन। टोटल ये 5+4 9 शीट लगेंगी। डबल लेयर डैम्पिंग होगी प्रॉपर, और जो अंदर जो कैबिन होगा बहुत साइलेंट हो जाएगा, म्यूजिक भी अच्छा आएगा, बाहर की जो रोड नॉइस वगैरह कैबिन में वो नहीं आएगी। रोड नॉइस, थर्मल इंसुलेशन, हर चीज का, मतलब ये बहुत बढ़िया साउंड डैम्पिंग हो गई हमारी। ये हमारे एक प्राइमरी सेटअप हो गया, ये जरूरी है, ये जरूरी होता है किसी भी गाड़ी में। ठीक है, ठीक है। इसके बाद वाटर गार्ड लगते हैं स्पीकर माउंट करने के लिए। ठीक है, वाटर गार्ड लगा देंगे ताकि स्पीकर खराब ना हो। ठीक है, स्पीकर इसके अंदर हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे सोनी के ES सीरीज। ओके, ES सीरीज इसलिए यूज कर रहे हैं कि सबसे बड़ी बात, सोनी में ये हाई रिज ऑडियो को सपोर्ट करते हैं। okay. और इसके ऊपर कोई स्पीकर्स नहीं आते सोनी के, मतलब ये सोनी के सबसे हाई एंड स्टीरियो एंड स्पीकर्स है ये। ओके, ठीक है, तो स्पीकर्स हम ये यूज करेंगे इसके अंदर। ये बुलेट कोन में आता है और साथ में इसमें ट्यूटर आता है, काफी बड़ा ट्यूटर होता है। ठीक है, और कोएक्सियल जो स्पीकर आता है वो भी 90 RMS का, और ये भी 90 RMS का है। दोनों की खासियत है कि दोनों इवन तो पावर्स के अंदर ये है। वाला जो भी आप कह रहे हो कि ये फ्रंट में लगेगा, ये फ्रंट में लगेगा या रियर में लगेगा? ठीक है, इसका मैं देख रहा हूँ भैया, ये जो काफी बड़ा एरिया, तो एक बार क्या हम इसे खोल के भी चेक कर सकते हैं? खोल क्या चेक कर, बिल्कुल दिखाएंगे। ठीक है, सोनी ये सीरीज की अनबॉक्सिंग करते हैं। बॉक्स के अंदर ऐसे प्रॉपर पैकिंग आती है इसकी। भैया वारंटी कार्ड हो गया था, ये इसका वारंटी कार्ड आता है, 3 years वारंटी ऑन द परचेज। ठीक है, बढ़िया भैया, ये पूरी पैकिंग है इसकी, इसकी पैकिंग आती है। ये कुछ इसके वो भी हैं एक्स्ट्रा जो है, हाँ, फिटिंग्स आती है, ये इसका ट्यूटर है। ओके, ये बहुत जबरदस्त चीज है भैया। साइज क्या, मतलब काफी बड़ा है ये तो ना। ये इसका क्रॉसओवर है। अच्छा, ये क्रॉसओवर है? हाँ जी, ये बहुत जबरदस्त लग रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है कोई ना, जैसे कि घरों में होता है ना, उनके टेबल वगैरह होती है स्टाइलिश, हाँ। उस तरह की ग्लास टेबल की है। और ये स्पीकर है, ये भी बहुत ही प्रीमियम लग रहा है भैया। ये लिखा भी हुआ है 90 वॉट सोनी ES सीरीज। और ये कोन जो है ना, काफी डिफरेंट टाइप की कोन है। हाँ, ये बुलेट सा जो इसमें, हाँ, बना हुआ है, काफी अच्छा लग रहा है। और ये काफी डिफरेंट टाइप की है। बाकी ये एक्स्ट्रा ये भी आता है किसी कार में, अगर लगाना, हाँ, रिंग्स आते हैं किसी काम गाड़ी में अपने लगाना चाहो लगा सकते। बाकी आपने भैया जैसे बताया था 3 साल की इसकी वारंटी है, तो इस पे जो ब्लू पंक है इस पे भी वारंटी होगी? 2 साल की वारंटी आती है ब्लू पंक की, सोनी के स्पीकर्स की 3 साल की है। मतलब दोनों ही प्रोडक्ट आने के बाद टेंशन फ्री हो जाओ, मतलब दोनों ही प्रोडक्ट इतने बढ़िया है ये कि 2 साल की तो वारंटी उसकी है,
और पूरा सपोर्ट होगा ही उस कंपनी की तरफ से, जर्मन ब्रांड है, 3 साल की कंपनी की इसकी वारंटी है। और ये मेड इन कहां के अभी है इसका? मेड इन वियतनाम है, मतलब कि चाइनीज प्रोडक्ट नहीं है इसमें? नहीं, चाइनीज प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, मेड इन वियतनाम है। ये इसके ऐसे डोम भी आते हैं, इसको आप ऐसे एंगल्ड आते हैं, इसको अच्छा ये इस तरह से इसको आप एंगल करके भी लगा सकते हो। बट भैया इसका साइज बहुत ह्यूज है, मतलब इतने बड़े ट्विटर मैंने भी नहीं देखे। और ये कितना मतलब क्लियर बजेगा, वो सोनी ब्रांड तो है ही अपने आप में खास। बाकी बहुत बढ़िया लगा मुझे, बाकी चीज़ें देखते हैं फिर इसमें, बाकी आगे चीज़ें दिखाते हैं। अब जैसे इसकी फिट एंड फिनिश हमने देख ली होगी, बिल्ड क्वालिटी देखी होगी स्पीकर्स की कितनी अच्छी है, और दोनों जो है 90 RMS के अंदर है, फ्रंट एंड रियर दोनों एक पावर के अंदर है, ये नहीं कि पावर डिफरेंशिएट है इसके अंदर। और पीछे हम कोएक्सियल इसलिए यूज़ करते हैं कि कटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती पीछे, इसका वैसे भी काफ़ी बड़ा था, तो पीछे अगर ये लगाएंगे तो इतनी बड़ी कटिंग करनी पड़ेगी, तो बेटर है आप पीछे इसमें कोएक्सियल लगाइए और फ्रंट में कंपोनेंट चलाइए। और दोनों जो है सेम ही सीरीज है, तो ऑलमोस्ट जो इनकी जो साउंड आएगी ना वो एकदम परफेक्ट बैलेंस्ड होगी, पावर हैंडलिंग सेम है दोनों स्पीकर्स की, ये चीज़ है। इसके बाद जो हम प्लेयर यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे ब्लॉपंग का लॉडर 900। इसके अंदर ये बेनिफिट, ये यूज़ करने का बेनिफिट ये है, ये जब हम ये प्लेयर लगाएंगे हमें एक एम्पलीफायर की नीड नहीं होगी, क्योंकि ये हाई पावर स्टीरियो है काफ़ी। ओके और इसके साथ आप अपनी ES सीरीज आराम से ड्राइव कर सकते हो, ठीक है, और क्रिस्टल क्लियर जो ये कंपनी क्लेम करती है बिल्कुल वैसा इफेक्ट अपनी गाड़ी में आप ले सकते हो। बाकी ये सेटअप मैं ऑलरेडी लगता हुआ देख भी रहा था लास्ट टाइम एक गाड़ी में, तो इसकी जो वीडियो की क्वालिटी थी हो गया था, मतलब मैंने अभी तक कोई भी एंड्रॉयड ऐसा नहीं देखा जिसमें इतनी अच्छी वीडियो की क्वालिटी हो। और एक नॉर्मल स्पीकर्स भी जो उस गाड़ी में लगे हुए थे, आई थिंक उसमें रेनबो लग रहा था, तो आउटपुट इसने उसकी जबरदस्त कर दी थी, जबकि बाकी सेटअप में इतना नहीं आता था जितना अच्छा इसमें आता था। बाकी भैया इसमें ना कैमरा जो है ये इसके साथ है, ये कैमरा इसके साथ आता है बम्पर वाला, ठीक है। अगर किसी को बम्पर कैमरा नहीं चाहिए, ठीक है, दूसरा वाला कैमरा चाहिए ऐसा डोम कैमरा, तो ये कैमरा भी लग जाता है। अब जो चार्जेस के डिफरेंट आते हैं वो अब देखें, मतलब ये जो वो नंबर प्लेट के ऊपर लगेगा तो चॉइस है, ये इसके साथ हो गया, इसके साथ आता है। अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो ठीक है, अगर आपको ये लगवाना तो जो डिफरेंस आएगा वो देख के आप लगवा सकते हैं, ठीक है। बाकी भैया ये जो दोनों चीजें हैं ये लग जाएंगी, ये भी लग जाएगा, तो ओवरऑल इसकी जो कॉस्टिंग है वो क्या पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी के लिए भी जानना। ये कॉम्बो पड़ता है 45,000 रुपए का स्पीकर, 45,000 ये स्पीकर, मतलब इसकी कॉस्ट है MRP, ठीक है, 35,000। नाम मेरा गुरप्रीत है, शॉप का नाम बिंद्रा मोटर्स है, जो दिल्ली हार्ट के बिल्कुल ऑपोजिट पड़ती है जनकपुरी वाले। बाकी मेरे को तो ये सेटअप बहुत अच्छा लगा, आई थिंक आपको भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि जो ये साउंड प्रूफिंग के लिए मैं देख रहा हूँ बहुत ही अच्छी डैम्पिंग है। मैंने खुद अपने फ्रेंड की कार में लगाई हुई है मॉडल 2.0 वाली, और ये तो 2.1 और 2.7 है, यानी कि उससे भी बहुत बेटर है। और ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने भी खुद देखी हुई हैं पर्सनली, तो बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप है इस प्राइस रेंज में, इससे अच्छा शायद ही कोई इसको कम्पीट कर सकता हो। और आपको चाहिए ना प्लग एंड प्ले, मतलब फालतू की चीज़ें, मतलब एम्प वैम्प वो सब चीज़ें नहीं लगानी, तो इससे बढ़िया तो हो ही नहीं सकता। तो मेरी तरफ से 100% थम्स अप है। बाकी फुल डिटेल्स कुछ भी आपको जानना हो, आके देखना हो, तो आप भैया से आके कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स मैं इसमें डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।